चलिए फ्रेंड, तो हम अपनी मैगी बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको लोग आसान तरीके से मैगी बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने एक लोटा पानी डाला है। अब पानी को अच्छी तरीके से हम गर्म होने देंगे, उसमें थोड़ा सा एक चम्मच के समथिंग रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब इसको कवर करके 5 मिनट तक मीडियम गैस पर अच्छी तरीके से बॉयल होने देंगे। अब मैंने 4 पैकेट मैगी के लिए हैं, अब मैगी को हम निकाल लेते हैं। ये हमने 4ों मैगी हैं वो निकाल ली हैं, और हर एक मैगी में एक मैगी मसाला निकलेगा। मेरे 4 पैकेट थे तो 4 मैगी मसाला निकला है। अब देखिए, हम पानी को देख लेते हैं, हमारा पानी है वो अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब चलिए हम इसमें जो मैगी हमने रखी थी निकाल के वो ऐड कर देंगे। और मैगी के अभी आपको गुच्छे टाइप के दिख रहे होंगे, हम 1 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाएंगे तो इसके सारे गुच्छे हैं जो हट जाएंगे और मैगी बिल्कुल हमारी एक एक हो जाएगी। देखिए, अभी हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। देखिए, 1 मिनट हो चुका है और हमारी मैगी है वो बिल्कुल सारी अलग अलग हो चुकी है। बस हम 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम गैस पर पकाएंगे। और देखिए, हमारी मैगी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इन्हें पसा देते हैं। देखिए, मैंने मैगी को पसा दिया है और एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। हमारी मैगी है वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब चलिए, हमने कढ़ाई रख ली है और मैंने बड़े चमचे से 1 चमचा सरसों का ऑयल लिया है। आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं। अब हमें इतना ऑयल नहीं डालना है, मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के समथिंग ऑयल बचा लिया है। अब तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। देखिए, हमारा तेल है वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और जीरे के बाद हम थोड़ी सी इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची डालेंगे जो हमने बारीक कट करके रखी थी। अब मिर्ची को भी अच्छी तरीके से भूनने देंगे कि इसका जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें एक बड़ी मैंने प्याज कट करके रखी थी तो प्याज भी ऐड कर देंगे। अब प्याज को भी अच्छी तरीके से भूनने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रख देंगे। देखिए, जब तक प्याज का कलर अच्छी तरीके से चेंज नहीं हो जाता है, जब तक हमें प्याज को ऐसे ही चला चला के भूनना है। हमारी प्याज का कलर चेंज हो चुका है और मैंने एक टमाटर रखा था बारीक कट करके, वो भी डाल दिया है। अब टमाटर को भी अच्छी तरीके से फ्राई होने देते हैं। फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिए, अब हम सबसे पहले इसमें स्वाद के अनुसार मिर्ची लेंगे, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि मैगी मसाला डालेंगे तो उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक आप इतना हो सके कम ही डालें। अब इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। देखिए, हमारी मैगी है वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी थी। हमने मैगी भी अपनी ऐड कर दी है। मैगी को भी अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे कि जो भी हमारा मसाला है वो मैगी में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। अब जो मैगी मसाला था वो भी हम ऐड कर देंगे। तो थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, इसे भी तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए, हमारी मैगी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और हमारी मैगी बिल्कुल बनके रेडी। एंड आप लोगों को मेरी मैगी वाली वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।